अपने साई गार्डन में शहर की 11 गरीब बेटियों ने शुक्रवार को जिंदगी की सफर की शुरुआत की। आओ हाथ बढ़ाएं एक पहल मदद की चैरिटेबल ट्रस्ट ने इन 11 जोड़ों की मदद से धूमधाम से शादी करवाई। विवाह के इस समारोह में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने पहुंचकर वर वधु को आशीर्वाद दिया। साई गार्डन में आयोजित समारोह में 11 भव्य मंडप सजाए गए। पंडित केदारनाथ मुरारी, आचार्य जगत प्रकाश जोशी व शंकर प्रसाद पांडे आदि पंडितों ने वैदिक मंत्रों उच्चारण के साथ विवाह समारोह संपन्न कराया। इससे पहले समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, विशिष्ट अतिथि SSP हेमराज मीणा, ट्रस्ट की अध्यक्ष गीतांजलि पांडे ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि जिंदा रहते हुए कुछ ऐसे कार्य करना चाहिए ताकि दुनिया से जाने के बाद भी लोग याद करें। SSP हेमराज मीणा, गीतांजलि पांडे, करणवीर सिंह आदि ने भी संबोधित किया। इस मौके पर विशेष कुमार गुप्ता, भाजपा महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, कोठीवाल ग्रुप के डायरेक्टर KK मिश्रा आदि मौजूद रहे। आज एक पहल आवाज बनाए मदद की गीतांजलि पांडे सज्जन से। आज इस 11 जोड़ों की शादी थी मुरादाबाद जिले में, जिसमें ढेर सारे साथी उद्यमी हों चाहे कॉर्पोरेट हों चाहे किसी भी क्षेत्र के हों, अधिकारी कर्मचारी सब लोगों ने मिलकर उस 11 जोड़ों को शादी की है और संकल्प लिया है कि इसी तरीके से हम पूरे प्रदेश में जो गरीब असहाय होंगे उनकी समानता के लिए, उनको मदद के लिए, उनको एक तरीके से उनके अंदर अपलिफ्टिंग की भावना हो, कभी नीचे न रहें, सभी लोगों को बराबर जीने का है, उस पर हम लोग कितना मददगार हो सकते हैं उसके लिए मैं बधाई देने आया था और आशीर्वाद देने आया था। और हम अपने को सौभाग्यशाली हूँ कि इस तरीके के कार्यक्रम में हमें बुलाया गया और मैं इस टीम को, पूरे इस ट्रस्ट को मैं बधाई देता हूँ और यहाँ के क्षेत्रवासियों को धन्यवाद। मंत्री जी, मैनपुरी में उपचुनाव है, फिर परिवार को टिकट दिया गया MLMC के लिए, क्या कहेंगे? इसका जवाब तो हमें से पूछा जाए और उसका जवाब जनता दे रही है कि टिकट कैसा होना चाहिए, राजनीति कैसी होनी चाहिए। लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता जज है और जवाब जनता देती है और दे रही है 2014 से लगातार, और आगे देखते रहिए ऐतिहासिक रूप से जवाब। राहुल गांधी भी यात्रा निकालने, उन्होंने अपना रंग रूप चेंज कर लिया है, दाढ़ी आ गई है बहुत लंबी, क्या कहें, किस तरह का रंग रूप तो कांग्रेस ने बदला था, तभी तो 70 साल जनता को समझ में लगा। जब उनके रंग को कांग्रेस के रंग को समझ लिया जनता ने, दूरी बना लिया, अब कोई भी रंग बदले उससे धोखे में समाज नहीं आने वाला। एक मदरसों पर सवाल था सर, देवबंद से एक आवाज़ उठी है कि हमें सरकार के गुलाम नहीं बनाने हैं बच्चे अपने और हमें सरकार से कोई हेल्प नहीं चाहिए। मैं देवन दारुण की बात कर रहा हूं। समझ गया है कि हमें कौन गुलाम बना रहा है, सच्चर कमेटी के माध्यम से मुसलमान जान गया है कि ये दाढ़ी वाले कितना हमें गुलाम बना रहे हैं, कि इन्होंने वोट डलवाया और बदले में गरीबी दी। सबसे ज़्यादा SC ST से भी दशा खराब मुसलमानों की है, तो गरीबी कितने दी है, इन्हीं लोगों ने तो वोट दिलवाया था। भारतीय जनता पार्टी तो आज मुसलमान के बच्चों को पढ़ा रही है, उनके बच्चों को भी ISP से DM कलेक्टर बनाना चाहती है, डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहती है, और हमारी सरकार तो उन्हें खाना दे रही है, इलाज दे रही है, मकान दे रही है, तो भेदभाव बिना हम काम कर रहे हैं तो वो तो भेदभाव वाले हैं, उनके पास क्या है। उनका एक ही काम है कि बच्चों के दिमाग में जहर घोलो, कुछ लोगों को धार्मिक उन्माद पैदा करो और विचारों को उनको एकेडमिक शिक्षा से दूर रखो। हमारी सरकार चाहती है कि इस देश के जितने नागरिक हैं वो बराबर, राम राज का मतलब है सभी जाति सभी धर्म सभी वर्ग के लोगों को समान रूप से सभी योजनाओं को दिया जाए, उन्हें न्याय और सुरक्षा दी जाए। ठीक, चलिए। जो करण सिंह जी, इनको मैं थैंक यू कहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, क्योंकि मुझे अभी शहर को जानने में अभी बहुत टाइम लगेगा, अभी एक हफ्ता ही हुआ है और मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और पुलिसिंग का जो काम है वो सभी पूरे ज़िले को देखना होता है, तो मैं सिटी के साथ साथ में जो देहात का जो क्षेत्र है उसको भी देख रहा हूँ, और मैं कुछ लोगों से ही अभी मिल पाया हूँ और आप लोग कोई ना कोई मिलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब मुझे याद है 2017 में पहली बार जब मैं संत कबीर नगर में SP था, तो वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से पहला एक सामूहिक विवाह सम्मेलन कराया गया था और उसमें करीब 113 जोड़ों का वहाँ पे विवाह कराया था। वहाँ वो पहला कार्यक्रम था और उस समय हम लोगों ने पूरा प्रयास किया था कि इसको हम कैसे भव्य रूप से करा सकें, जिससे कि जो लड़कियाँ और जो लड़कियाँ जिनकी शादियाँ हो रही हैं वो ये महसूस ना करें कि हमको सामूहिक विवाह सम्मेलन में हमने शादी किया था। और मैं आज इस कार्यक्रम को जो भी सम्पन्न करा रहे हैं, विशेष तौर से
गीतांजलि पांडे बहन को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतने ग्रेसफुल तरीके से कार्यक्रम को संपन्न कराया है कि मतलब बहुत कम ही लोग इस तरह की शादियाँ करा सकते हैं। तो इतने अच्छे तरीके से आपने शादी का जो कार्यक्रम है उसको संपन्न कराया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको बधाई देना चाहूँगा। और ये जो पूरी टीम है करण सिंह जी की, करण सिंह जी से मुलाकात मेरी हुई है दो बार, और जिस तरह की जानकारी मुझे अन्य अधिकारियों ने उनके बारे में बताया कि बहुत ही सज्जन आदमी हैं और लगातार मेहनत करते रहते हैं और सबसे संपर्क में रहते हैं, वो आज यहाँ देखने को भी मिला। और मार्कंडेय मणि त्रिपाठी जी जो इस कार्यक्रम को बहुत दिन से मॉनिटर कर रहे थे और देख रहे थे, बीच में बात भी आपने मुझसे किया था कई बार, इसके विषय में चर्चा भी किया था कि सर आप 25 तारीख को कहीं जाइएगा मत, तो इसलिए मैंने आपके लिए समय निकाल के रखा और सारे कार्यक्रम है छोड़ दिए। मार्कंडेय मणि जी से मेरा परिचय जब मैं गोरखपुर में SP सिटी था तब से है, और तभी से माननीय मंत्री जी से भी बात वार्ता होती थी उस समय। तो आज आपका भी यहाँ पे आप आए और इतने दूर से आके इस जो मुरादाबाद जनपद में आपने जो यहाँ की जो बहनें हैं उनको आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और मार्कंडेय मणि जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने जो कार्यक्रम जिस की रूपरेखा जिस तरीके से बनाई थी उसी तरीके से आपने ग्रेसफुल तरीके से आज का ये कार्यक्रम संपन्न कराया है। अभी माननीय मंत्री जी को और भी जगह जाना है और उनका समय हो गया है, तो मैं ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं लूँगा, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोगों के लिए जब भी आप लोगों को मेरी हमारा ट्रस्ट है आओ हाथ बढ़ाएं एक पहल मदद की, उसके माध्यम से हमने 11 गरीब कन्याओं की शादी का आयोजन किया था यहाँ पे, जो आप लोगों के सामने है सफलतापूर्वक संपन्न होता दिख रहा है। कब से ट्रस्ट चल रहा है और कब से इस तरह के ये ट्रस्ट हमारा अभी 10 जनवरी को 1 साल इसका पूरा होगा, और तब से हम कई सारे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जैसे एजुकेशन के में कर रहे हैं, 3 बच्चों को हम लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ है और उनकी स्कूलिंग कम्प्लीटली हमारी जिम्मेदारी है। इसके अलावा हमारा एक निःशुल्क ट्यूशन सेंटर है जिसमें लगभग 22 बच्चे पढ़ रहे हैं, और हम कोशिश ये करते हैं कि उनकी जो बेसिक नीड है पढ़ाई के लिए उसे भी फुलफिल करें, हालांकि पूरी हद तक कामयाब नहीं हो पाते हैं लेकिन फिर भी कोशिश करते रहते हैं। भविष्य में भी इस तरीके का है? जी, भविष्य में भी इस तरीके की काफ़ी योजनाएं हैं, लेकिन योजनाएं खाली बनाना आसान नहीं है, उन्हें मूल रूप देने के लिए हमारे इस कार्यक्रम में जैसे हमारे सहयोगी भाई करण सिंह जी, राजेश रस्तोगी जी, मनोज जी, बॉबी उपल जी आदि लोगों ने यहां सहयोग किया, तो इस तरीके के अगर सहयोगी हमारे साथ रहे तो निश्चित रूप से आगे भी हम इस तरह के कार्यक्रम करते हैं। ट्रस्ट द्वारा पहली बार विवाह का कार्यक्रम किया गया है? नहीं, ट्रस्ट द्वारा पहली बार नहीं है, लेकिन हाँ सामूहिक विवाह का आयोजन पहली बार किया गया, वैसे सिंगल सिंगल हम लोग 3-4 शादियां और करा चुके हैं। ये 11 जो आपने जोड़े कलेक्ट करे कहाँ कहाँ से करे थे आज? ये बेसिकली मुरादाबाद से ही हैं, बस ये है कि इन्हें हम पिछले 6 महीने से सर्च कर रहे थे, पूरा बैकग्राउंड चेक करने, हमारी पहली कोशिश ये थी कि जो भी जोड़े हम चुने वो उन्हें वास्तव में वो ज़रूरतमंद हो, कोई फेक ना आए हमारे पास कि हमें ज़रूरत है और बाद में पता चले कि वो तो मतलब कर सकते थे काम। दहेज नहीं कहेंगे, उपहार कहेंगे। उपहार में हम लोगों ने इन्हें डबल बेड है, अलमारी है, बर्तन है, इनके बेसिक जरूर जो नीड की चीज़ें होती हैं, गैस चूल्हा है, बर्तन है, और भी कपड़े लगते हैं, ज्वेलरी, कई कई सारी चीज़ें हैं, अब मैं सारी चीज़ें तो गिनवा नहीं सकती। थैंक यू। इस भगीरथ प्रयास में जितने भी बंधु आए, जिन लोगों ने अपने अपने योगदान दिया, युवा साथी हैं हमारे, उद्यमी हैं हमारे, जो व्यापारी गण हैं हमारे, हर क्षेत्र में प्रेस के क्षेत्र में है चाहे किसी भी क्षेत्र में है, सभी लोगों के सहयोग से जो आज ये कार्यक्रम हुआ है, और कुछ हमारे भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं यहाँ जो मुरादाबाद मंडल के, मुरादाबाद जिले के, अब ये कार्यक्रम अमरोहा में है जो कि पहले से तय था, तो आज के दिन में आज कैबिनेट है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से क्षमा प्रार्थी शाम को लेटर डालकर मैंने भेज दिया कि एक हमारे अभिन्न सहयोगी हैं और वहाँ कुछ लोगों ने हमारे मेरे अतिथि के रूप में, और उन्होंने एक बड़ा प्रयास किया है बच्चियों की शादी का, और मैंने मैसेज डाल दिया उनको कि वहाँ मेरा जाना आवश्यक है, इसलिए आज के दिन क्षमा है। तो कैबिनेट, क्योंकि मंत्रियों को एक सख्त हिदायत होता है कि कैबिनेट का कभी गैप ना हो,
क्योंकि कैबिनेट में क्योंकि पूरे 25 करोड़ की आबादी के हितों की रक्षा के लिए कानून बनते हैं, उस नीतियों में परिवर्तन किए जाते हैं। पुरानी जो नीति बनाई है पिछली सरकारों ने, जिसे सत्यानाश हुआ गरीबों का, तो उसको बदल कर अभी कैसे इनके गरीबी तमाम व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था हो चाहे किसी भी क्षेत्र की व्यवस्था हो। अभी मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि 25 करोड़ की आबादी में आपका एक भाई, आपका एक बेटा, आपका एक सहयोगी डॉक्टर संजय उस कैबिनेट में एक जगह प्राप्त किया है। जब भी कभी ज़रूरत हो तो मैं वहाँ, कभी ऐसा नहीं कि मैं वहाँ बोलने में नहीं चूकता, जैसे मैं यहाँ मंच पर भाषण दे रहा हूँ वैसे मौका मिल जाता तो कैबिनेट में भी अपनी बात रखता हूँ। और मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ को बहुत धन्यवाद दूंगा इस मंच से कि वो सभी मंत्रियों को सुनते भी हैं। आवश्यकता हुआ तो अगर पब्लिक हित में नहीं है तो उसको रोक भी देते हैं उस बिल को या उस नीति को, और तुरंत कहते नहीं समीक्षा किया जाए और जो सही हो मंत्री जी लोग कह रहे हैं उसे पूरा किया जाए। मतलब अधिकारियों के ऊपर ही नहीं निर्भर पूरा है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा है कि मजबूरी में नीति बनानी पड़ती है, क्योंकि कुछ ऐसे कानून बन गए हैं कि उसे दूर करने के लिए, उस विषमता को दूर करने के लिए कुछ कड़े कदम भी उठाने पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें तो आज हमारे अब नहीं है, कैबिनेट हुआ आएगा तो मैं उसे छोड़कर आपके बीच में आया। गीतांजलि ने हमें से वादा किया था कि जब भी आप बुलाएंगे मैं आऊँगा, तो मैं अपने वादे को पूरा किया हूँ और आगे अपना मेरा वादा है कि इस संगठन को पूरे देश में प्रदेश में फैलाया जाए। तो मैं कैसे मदद हमारी जहाँ होगी वहाँ ले, और अपने साथी मानवकंडे मणि त्रिपाठी को मैं बहुत बहुत बधाई दूँगा कि कहाँ गोरखपुर है कहाँ मुरादाबाद है, क्योंकि मंत्री तो मैं पूरे प्रदेश का हूँ लेकिन दूरी कुछ दूर है, लेकिन दूरी को कम करने में इन्होंने अपनी सफलता, इनके दो जो भाई हैं वो भी और राम और लक्ष्मण की तरह यहाँ साथ में दे रहे हैं, और उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा कि उस कर्मठ उस धरती से हम लोग संघर्ष करके आए हैं। आप लोगों को बहुत ढेर सारी बधाइयाँ, जो हमारे जोड़े हैं जो शादी चल रही है, मैं पंडित जी को जो मंत्रोच्चारण कर रहे हैं उन्हें भी बहुत बहुत बधाई दूंगा, बहुत धन्यवाद है। मंच पर बैठे हमारे मंचासीन जितने साथी हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, समय थोड़ा कम है, सभी का मैं आभार प्रकट करता हूं और तहे दिल से हृदय से स्वागत करता हूं कि मेरे ये एक तमन्ना है, मेरी पार्टी का नाम है निर्बल इंडियन शोषित हमारा दल। हमारा एक सोच है कि जो राजनीति के हिस्सेदार हैं वो सफल हैं, जो राजनीति के शिकार हैं वो निर्बल हैं। तो हम पॉलिटिकल पार्टनर बनाना चाहते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टनर है वाकई 700 वर्ष मुगल 350 वर्ष अंग्रेज हमें उतना नहीं लूट पाए जितना 70 साल में हम अपने वोट अपने बैंक से लुटवा दिया इस देश को। इसलिए हम बुद्धिमान लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत बधाई है, हम अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ, इस आप पार्टी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।